भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम। इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। साथियों, भगवान महाकाल एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। ये शिव के ऐसे स्वरूप है जिसकी भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर भक्त अपने जीवन में भस्म आरती के दर्शन जरूर करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान में बदलने जा रहा है सीएम, कौन बनेगा राजस्थान का अगला सीएम? चुनाव से पहले बड़ा बदलाव राजस्थान में, गहलोत ने राहुल को कर दी हां। अब राजस्थान का सीएम कौन है, ये चार रेस में समीकरण समझिए। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी से मुलाकात होने के बाद अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के सीएम नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की सियासत के पारे को बढ़ा दिया है। वहीं राजस्थान के अगले सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। चूंकि गहलोत और पायलट को पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट के लिए सीएम की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल होगा। लिहाजा मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। गहलोत चाहते हैं कि उनके गुट का सीनियर नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अशोक गहलोत ने सीएम पद के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सीपी जोशी का नाम आगे रखा है। सचिन पायलट के बाद सीपी जोशी राजस्थान सीएम पद के तौर पर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि वो राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें सीएम बनाने जाने के बाद कोई भी बड़ा विवाद खड़ा नहीं होगा। सियासी संकट के बाद प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की कमान गहलोत की ओर से गोविंद सिंह डोटासरा को दिलवाई गई है। डोटासरा गहलोत के सबसे विश्वसनीय नेताओं में से एक हैं, जिन्हें गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान अपने साथ ले गए थे। बताया जा रहा है कि कोची में हुई मीटिंग में राहुल गांधी के सामने राजस्थान के सीएम के तौर पर गहलोत ने डोटासरा का प्रमोशन कर दिया। गहलोत अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को राजस्थान के सीएम के तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं। ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके विश्वास पात्र को ही राजस्थान के सत्ता की चाबी मिले, ताकि उनकी पकड़ प्रदेश में बनी रहे। इस फेरिस्त में शांति धारीवाल और बीडी कल्ला का नाम प्रमुख है। गहलोत अक्सर धारीवाल के कामों की प्रशंसा करते हैं। वो यह तक कह चुके हैं कि आगे भी जब वो राजस्थान के सीएम बनेंगे तो धारीवाल को अपनी कैबिनेट में मंत्री जरूर बनाएंगे। ऐसे में शांति धारीवाल भी इस लिस्ट में आ गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर बन रही स्थिति के बीच ये भी माना जा रहा है कि फिर से प्रदेश में पायलट और गहलोत के बीच खींचतान बढ़ेगी। पायलट गुट की ओर से सोशल मीडिया के जरिए इन्हें सीएम बनाने की कवायद की जा रही है। हालांकि पार्टी आलाकमान के फैसले से पहले कोई भी कुछ भी कहने से परहेज कर रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर गुट के नेताओं ने फील्डिंग जमाना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट 20 सितंबर को कोची गए थे। वे 3 दिन तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हुई। पायलट ने 2 साल पहले आलाकमान की ओर से दिए गए आश्वासन को भी याद दिलाया।
इसके बाद राहुल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बदलने के संकेत भी दिए। सचिन पायलट अब दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा। बताया जा रहा है कि पायलट सोनिया गांधी के साथ राजस्थान की सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में, क्या कहती है राजस्थान की जनता इस समक्ष में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जनता इस बार किसे बनाएगी सीएम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या बीजेपी यहाँ पर फिर से सत्ता पर वापसी करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल भी अपना पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 विधानसभा सीटों वाले पूरे 33 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले निकल के आ रहा है दौसा। दौसा में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 4 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें, आरएलपी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 13 विधानसभा सीट का अब तक ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो 0 विधानसभा सीट पर आरएलपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गंगानगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी, यहाँ पर काबिज हो सकती है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी का 0, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। यहाँ पर बात कर लेते हैं नागौर जिले की 10 विधानसभा सीट है, बीजेपी को यहाँ पर 0, कांग्रेस को 0, तो यहाँ पर सभी आरएलपी खाते में 10 की 10 सीटें जा सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 34 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 10, आरएलपी खाते में 10 सीट, यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 13 सीट, तो कांग्रेस पार्टी को 10 सीट, आरएलपी खाते में भी 10 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से सभी 7 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 0 सीट, आरएलपी खाते में 0 सीट, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 51 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 13 सीटें, आरएलपी खाते में 11 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। चूरू की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। नेता हनुमान बेनीवाल को मिल सकती है, तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। पार्टी यहाँ पर जमा सकती है अपनी धाक, तो अन्य पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 70 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 37 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 18 सीटें, आरएलपी खाते में 13 सीट, अन्य पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अलवर की, अलवर की 11 विधानसभा सीट है, 11 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी, यहाँ पर काबिज हो सकती है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बारह की, बारह की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 90 विधानसभा सीट है, यानी कि आधे से 10 कम सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 49 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 25 सीटें, आरएलपी खाते में 13 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, बाकी अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं भरतपुर की, भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। और जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 106 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 58, 31 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 13 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले, यानी कि झालोर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। झुंझुन की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। और यहाँ पर राजस्थान के 200 में से 122 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 66,
39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 13 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टी का 4 सीटें जा सकती है। राजस्थान के जोधपुर यानी कि अशोक गहलोत के गढ़ की बात करें तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी, यहाँ पर छेदमारी कर सकती है अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। करौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, वाईकेएस भी आरएलपी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खत्म है, 5 कांग्रेस पार्टी खत्म है, 1 सीट आरएलपी खत्म है, 0 अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 142 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 79 सीटें, 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 14 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टी खत्म है यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं, 19 में से 10 पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, 7 पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म है 2 सीट जा सकती है। पाली की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खत्म है, सभी दोनों सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और अन्य पार्टी खत्म है 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 169 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहा है, यानी कि जनता की राय के अनुसार बीजेपी खत्म है 94 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 54 सीटें, 17 सीटों पर आरएलपी और अन्य पार्टियों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात करें तो राजस्थान की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि राजसमंद और सवाई माधोपुर में बराबर कांटे की टक्कर रह सकती है। और सीकर की बात करें तो सीकर में 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। राजस्थान की 200 में से 185 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी यहाँ पर 103 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रह सकती है बीजेपी, और 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आरएलपी खत्म, 18 और अन्य पार्टी खत्म, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। और दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी में सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। टोंक की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अन्य पार्टी। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आरएलपी, 1 पर अन्य पार्टियां। राजस्थान की सभी 200 सीटों में से सभी 200 सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे थे और बीजेपी खाते में 111 सीटें, यानी कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर और राजस्थान में फिर से सरकार बना सकती है, यानी कि 5 साल के संन्यास के बाद बीजेपी यहां पर 111 का आंकड़ा प्राप्त कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 64 सीटें और आरएलपी खाते में 19 सीटें, अन्य पार्टियों यहां पर 6 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। थैंक यू, टेकर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय स्त्री राम।